जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र से कोविड 19 वैक्सीनेशन का हुआ शुभारंभ, विधायक सहित सभी अधिकारी हुए शामिल। जहां विधायक शैलेंद्र जैन ने सभी सागरवासियों को बधाई दी जिन्होंने दृढ़ता के साथ कोरोना काल के 8 महीनों का सामना किया। उन्होंने आगे कहा, 9 वर्ष में जिसकी सबको तलाश थी वह वैक्सीन आ गई है। आज भारत देश उन विकसित देशों में शामिल है। उन्होंने कहा, मैं भारतवर्ष के तमाम वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ जिनकी वजह से भारत में ही वैक्सीन का उत्पादन शुरू हुआ। उन्होंने सागर जिले वासियों से अपील करते हुए कहा, सभी धैर्य का परिचय दें और पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा और दूसरे चरण, तीसरे चरण वैक्सीनेशन चलेगा और यह वैक्सीन पूर्णतः जाँच परीक्षण और सुरक्षित है। इस कार्यक्रम में सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ला, जिला कलेक्टर दीपक सिंह, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इच्छित गढ़वाली, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन, जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। के टीकाकरण का शुभारंभ आज कर दिया गया है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनका वैक्सीनेशन आज शुरू किया गया है। इसमें अभी हमें 14,000 डोजेज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, शासकीय और निजी दोनों, उनका पोर्टल पे पंजीयन किया गया है। जिन्हें SMS जाएगा उनका ही टीकाकरण होगा। और अभी आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और बंडा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन शुरू किया है। ये वैक्सीनेशन 1 सप्ताह तक चलेगा और इसके बाद अगले राउंड का कार्यक्रम जैसे शासन से आएगा तो अगला वैक्सीनेशन। सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के जो विशाल श्रृंखला है उसके एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोलह जनवरी 2021 इतिहास के पन्नों पे अंकित होने वाली तारीख है। एक नई सुबह लेके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।